आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं चरुआ की बलिदानी धरती पर मौजूद हूं और यहां पर जो है सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जयशंकर ने अपने दल बल के साथ जो है श्रद्धांजलि अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आइए उनसे जो है बात करते हैं और जानते हैं कि इस वीरों की धरती के बारे में उनका क्या जो है कहना है। बताएं आज जो है आप इस धरती पे जो मौजूद है क्या कहेंगे? देखिए, ये बलिया जनपद के बेलथरा रोड का चरौवा गांव है और चरौवा गांव हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं जब यह कहा जाता है कि आप चरौवा के रहने वाले हैं और उस इलाके के रहने वाले हैं। देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जहाँ बलिया और बलिया बैरिया में लोगों ने बड़ी तादाद में गोरी पलटन के खिलाफ विद्रोह करके शहादत देने का काम किया, वहीं बेलथरा रोड का यह चरौवा गांव आजादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया बगैर इस बात का परवाह किए कि परिणाम क्या होगा और बगैर किसी हथियार का, बगैर किसी साधन का, बगैर किसी सुविधा का। जब मूर अंग्रेज मूर जनरल मूर के नेतृत्व में पलटन चरौवा के तरफ बढ़ी तो चरौवा के गांव के लोग किसान, जिसमें मतुलिया मालिन, खरबियार, शिवशंकर सिंह, ये तमाम लोग, मंगला सिंह, ये तमाम लोगों ने खड़ा होकर के अंग्रेजी शासन का विरोध किया और भारत माता की आजादी का नारा दिया, भारत माता जिंदाबाद का नारा दिया और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लोग जेल गए और तब से लगातार चरौवा गांव में उन शहीदों को, वीर शहीदों को नमन करने के लिए, याद करने के लिए जो आयोजक मंडल है, गांव के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, 25 तारीख को जुलाई अगस्त में 25 अगस्त को मेला के रूप में, उनकी शहादत के रूप में उनको याद करने के लिए कार्यक्रम करते हैं और उसमें सभी अफसर, अधिकारी, नेतागण, समाज सेवी और सभी लोग आते हैं और शहीद को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भारत माता की आज़ादी का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं। इसी कार्यक्रम में हम यहाँ आए हैं। अब देखें, पिछली बार 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है और यहाँ गोरख पासवान जी तत्कालिक एमएलए समाजवादी पार्टी के रहे हैं, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन अखिलेश यादव की हनक इतनी थी कि प्रत्येक अवसर पर चरौवा गांव में एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और थाना अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि आकर के वीर शहीदों को नमन भी किया, फूल भी चढ़ाया और इस मेले में आकर उनको याद भी किया, उन पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। ये हमारी परंपरा रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई अफसर नहीं है तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है। जब देश में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अमृत महोत्सव के रूप में नारा दिए हैं और घरों घरों पर तिरंगा लहरा रहे हैं, ऐसी स्थिति में वीर शहीदों के इस मेले में जहाँ ये परंपरा रही है, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का न आना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक हैं हंसुराम जी, उनको भी निमंत्रण जो है ऐसे कार्यक्रमों में नहीं दिया जाता है, जबकि उनकी उपस्थिति जो है बहुत जरूरी है। और इस तरह से जो है राजनीतिक ये दोष की भावना चल रही है, जबकि ऐसे स्थानों पर जो कि शहीदी स्थान है यहाँ पर ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? हंसुराम जी बेलथरा के एमएलए हैं, हंसुराम जी तो हमारे गठबंधन के एमएलए थे, हमारा भाजपा से गठबंधन टूट गया, उनको निमंत्रण यहाँ नहीं मिला है। हमारे मैं जो कहने जा रहा हूँ, एमएलए थे, हमारा गठबंधन टूट गया और अब वो उनके नेता जिस पार्टी के संपर्क में है, अभी सीधे सीधे तो उनका कोई मेल मिलाप नहीं है, लेकिन उनकी भाषा, उनके अंदाज बता रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में इतनी उदासीनता ठीक नहीं है और एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है
और जो जनप्रतिनिधि से लोगों की उम्मीद और अपेक्षाएं होती हैं उस पर निश्चित रूप से उनको खरा उतरना चाहिए, ये मेरी उनको सलाह है। अभी आपने सुना होगा उनके बेटे अरुण राजभर का जो स्टेटमेंट, जो अफजाल साहब पर ईडी की कार्रवाई हुई, उन्होंने कहा एक प्रक्रिया है। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं और एक भी बयान अगर आप बता दीजिए ओम प्रकाश राजभर का जो योगी सरकार के खिलाफ हो, मोदी सरकार के खिलाफ हो, चुनाव के बाद जो असेंबली के चुनाव हुए हैं और उससे भी अगर नदी कहेंगे जो आजमगढ़ के बाई इलेक्शन हुए उसके बाद, ये बिल्कुल सरकारी भाषा बोल रहे हैं, सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं लगातार। वो तो विपक्षी दलों को कभी बसपा को कोसते हैं, कभी अखिलेश जी को कोसते हैं, कभी दूसरे दलों को कोसते हैं, लेकिन सरकारी पार्टी पर एक बार भी उनका बयान नहीं आता। और वाई श्रेणी का सुरक्षा, बाई इलेक्शन के बाद उनको वाई श्रेणी की जो सुरक्षा सरकार ने दिया है, वाई श्रेणी की सुरक्षा सरकार ही दे सकती है, तो इस बात का क्या, इस बात को क्या मानते हैं आप? राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज याद किया जा रहा है, इस अवसर पे तो विधायक को बुलाना जो है उचित था कि नहीं? नहीं, हम हमारे जैसे लोग जो लगातार, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद, और जब से राजनीति में प्रवेश किया, मैं एक ही नेता के नेतृत्व में काम किया, मुलायम सिंह यादव जी, और मुलायम सिंह यादव जी के उम्र का अगर आया तो माननीय अखिलेश यादव जी जब से उनके नेतृत्व में काम किया। देखिए, हमने ये आज हम राजनीति करने नहीं आए, हमें जो सहूर मिला है पंडित जनेश्वर मिश्रा जी ने जो सिखाया है, स्वर्गीय अंचल जी ने जो सिखाया है, और जो हमारे तमाम बड़े नेताओं ने सिखाया है, उन्होंने कहा है कि जिस पर्व पर जो आयोजन हो उसी की भाषा बोली जानी चाहिए और उसी कार्यक्रम को किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पर किसी तरह की कोई राजनीति क्षम्य नहीं है और किसी भी व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सपा के पूरे जिला अध्यक्ष अध्यक्ष शंकर यादव जी थे, जिनका जो साफ तौर से करना चाहिए था कि ये राष्ट्रीय पर्व है और यहाँ के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है, इस पर जो किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको जो आजाद हुसैन के साथ की रिपोर्ट, आप देखते रहे भारत मीडिया चैनल।